Assalamualaikum and we are finally back with another vlog. Welcome हो गया तुम सब का आज another vlog के अंदर. तो वही शादी वाला सीन है. ठीक है, कपड़े शपड़े हमारे प्रेस हो रहे हैं, तकरीबन हो गए हैं वो देखो. ठीक है, और कपड़े शपड़े प्रेस हो गए हैं साथ ही देखो. ये मुझे गिफ्ट मिला है यार. ठीक है, तो कपड़े शपड़े लेते हैं इधर से, फिर हमने निकलना है. दाढ़ी शादी ठीक करा दी, बाल नहीं कटवा दी ना अभी, हम गंदी हालत में बिल्कुल, सुबह से काम काम काम. तो अभी इधर से जाते हैं हम डायरेक्ट बाल कटवाने, बाल कटवाते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं, देखते हैं हम कैसे लग रहे हैं कि नहीं बताने. ठीक है, व्लॉग का एंड तक देखने, काफ़ी मज़े होने वाले. लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है. ठीक है, हेलो जी, क्या हाल है, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये देखो भाई हमारा नाम, ये हमारे नाम है देखो, पब्लिक हमें मुर्शिद के नाम से जानने लग पड़ी है. शाबाश बेटा, अभी फेमस होने वाले हैं देखो. शादी का दिन आ गया है और आप देख सकते हैं मेरे साथ वासित भाई बैठे. हम लोग बस सिर्फ बच्चे को चुप करवाने का काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सिर्फ बच्चे को चुप करवाने का. और हमारे साथ बैठे हैं हमारे भाई भी, लेकिन उनके पास कोई बच्चे नहीं है और शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही बात है कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं, हम लोग बच्चों को चुप करवाने हैं, तो चले इसी में ही बेहतरी होगी. भाई साहब मैं यहाँ पे आया था, ठीक है, उमर भाई की तरफ. और उमर भाई मुझे कहता है यार तेरी दाढ़ी शाड़ी मैं ठीक करा दूँ, तो मैंने कहा नहीं यार मैं खुद करा लूँगा, क्या कहते हैं उसको, गेट स्मार्ट से. इस बंदे को देखो ये कहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है. इसने सबको उल्लू बनाया है कि मेरे बाल कट गए, स्टेटस भी लगाया, ठीक है, वो मैं आप लोगों को शो कराता हूँ. और जब मैं इसकी तरफ आया हूँ कि इसने बाल सच में काट दिए कि नहीं, तो अभी भी ये देखो ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए इसी तरह नज़र आ रहे हैं ना. तो इसको हम लेते हैं, ठीक है, फिर हम जाते हैं दाढ़ी शाही ठीक कराने और बाल ट्रिमिंग करते हैं यार, और फिर हम आपसे मिलते हैं. ठीक है, फाइनली दाढ़ी शाड़ी हमारी बन गई. उमर भाई ने कहा इधर से ही बना लो क्योंकि काफ़ी लेट था. अभी सनी भाई का नंबर है, ठीक है, ये देखो मैक्सी दाढ़ी बन गई हमारी. ठीक है, ठीक है, तो जाते हैं भाई, जल्दी से तैयार होते हैं, आप लोगों से हम मिलते हैं. ठीक है ना, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर लगाइए. ठीक है, हम घर आए, हमारे चाचू तैयार हो गए हैं. ठीक है, हमारे चाचू की बेटी की शादी है, तो बस अभी हम भी तैयार होते हैं, हमने हाल पहुँचना है. ठीक है, और तैयार होकर हम आपको सबसे मिलवाते हैं और हम आपको उधर ही मिलेंगे. ठीक है, फाइनली तैयार शार हो चुके हैं हम लोग. ठीक है, काफ़ी मैक्सी किस्म की हमने ड्रेसिंग कर ली है. अभी कुछ आप लोगों को स्लोमो भी बताऊंगा जो आपका भाई तैयार होके बना रहे. ठीक है, उमर भाई आपको मैं सबसे मिलवाता हूँ, पर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है सारा भाई. मैं आज आप लोग हर एक बंदे से मिलवाऊंगा बिकॉज आई एम अ व्लॉगर ऑफ द एयर. ठीक है, व्लॉगर ऑफ द एयर नहीं हो सकता, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो जाएंगे. तब यार बस सभी काम शाम है, तो काम शाम करने के साथ साथ आप लोगों के साथ मिलता रहूँगा. सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी. सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती. दोस्ती वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है. काम ना करो, हसन भाई यार, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी कज़िन की बारात चली गई थी, तो उमर भाई खामोशी से बैठे हुए थे साइड पे और हाथी बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मुझे इस वजह से वॉइस ओवर करनी पड़ी है.
और इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हमने उमर की भी शादी करवानी है, मतलब हम सेम शादी इकट्ठे करेंगे, बस ये बातें हुई। और उमर भाई इसी तरह बैठे हुए थे, अभी हम आगे जाएंगे, आप लोग हम औरों के साथ भी मिलवाएंगे, ठीक है ना भाई? सीन ऐसे शादी खत्म हो गई, हसन भाई उमर ने कहा हार किसी का गिर गया, वो ढूंढ रहे हैं, देखो यार ये देखो, मतलब ये सोने का हार घूम गया, अभी ये जिसने ढूंढा उसको इनाम है। अच्छा हसन भाई जिसको मिला उसको इनाम है। देखो यार सारी बाइक मेरी गीली है, व्लॉगिंग वाला हाथ भी मेरा टेढ़ा आ रहा है, ठीक है अभी ऐसे पकड़ता हूँ, मेरी सारी बाइक गीली, अगर मैं इस पे बैठा तो गीली हो जाएगी। तो अभी हमें यहाँ पे एक फार्मूला सोचना पड़ेगा यार, बड़ी ज़्यादा सर्दी है। नहीं The next day. जी तो यार फाइनली भाई साहब सीन ऐसा हुआ है ना कि शादी का काम था, लड़की का काम, तो सारा मतलब बिजी थे, व्लॉग सही नहीं बना, तो आज वलीमे का दिन है, ठीक है आज हम फिर से तैयार होने लगे हैं, तो आपको हम अपनी भी ड्रेसिंग बताएंगे, फिर हम आपको सबके साथ मिलवाएंगे। कल तो हम सही नहीं मिला सके क्योंकि कज़न की हमारी शादी थी ना, तो सारा काम हम पे था, तो अभी जाएंगे तैयार श्यार होते हैं, ठीक है, और आप लोग हम हाल में मिलते हैं उमर भाई लोग के साथ, हसन भाई के साथ, सबके साथ मैं आज आप लोग को मिलाऊँगा। सीन ऐसा करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शादी में भी मैं आप लोग के लिए व्लॉग निकाल लूँ, काफ़ी मुश्किल से व्लॉग निकल रहे हैं यार, काफ़ी मुश्किल से, मतलब कि मोबाइल उठाने का भी टाइम नहीं है यार, कुछ तो करना पड़ता है ना आप लोगों के लिए, तो गलती से यही बोलना है आप लोगों के, जाने उधर तैयार होने आप लोगों से मिलना है, ठीक है। भाई साहब सब रेडी हो गए, अभी हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है हम आप लोग अंदर जाके मिलते हैं, ठीक है ना उमर भाई? आप यार काफ़ी स्पेक्सी लग रहे हो आप यार। थैंक यू यार, मिलेंगे नहीं? हाँ दिला दो यार, मतलब एक कज़न की शादी है, खुश बात हो, रात को थोड़े सैड थे बट अभी हैप्पी फील कर रहे हैं, चलो अभी रात गई बात गई, अभी अंदर जाते हैं ना फिर मिलते हैं इनसे, ठीक है। मेरे लिए भी देखो यार, सो वाला सब यार अपने लिए अभी यहाँ से वो ले रहे हैं, ठीक है तो हम भी लेते हैं, ब्लॉग बंद करते हैं, हम भी लेते हैं, बनाते हैं, फिर से मिलते हैं, ठीक है। सामने लाओ यार, सामने लाओ उमर भाई यार, अभी हमने भी व्लॉग में आने की नहीं, भाई भी आ चुके हैं, ठीक है, और दूल्हा भाई आपको शादी भी यार आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, और हसन भाई लोग भी वहाँ पे सारे बैठे हैं, ठीक है, उमर उधर है, और हमने कहा है कि यार हमने व्लॉग बनाए लेकिन हम व्लॉग में दूल्हा भाई को लाए नहीं है, तो आपने व्लॉग देखना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है, इनके साथ हम गपशप लगाते हैं, फिर हम आपसे। फाइनली भाई साहब यार अली भाव में उठ पे गुस्सा करेंगे, ठंड है तो यार, बुखार है काफ़ी तेज़, तो उमर भाई बाहर खड़े हैं, उनको मैं लेता हूँ यार, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, बहुत ज़्यादा बुखार है, ठीक है, बात भी नहीं हो रही मुझसे, तो यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करने लगूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपको फिर इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।